क्या आप मानते हैं कि आपसे ये वायलेशन आपने ये नहीं करना चाहिए था और पूरे 7 डेज आपने घर पे रहना चाहिए था? नहीं नहीं अगर मुझे उसी समय बताया रहता उन्होंने क्या तुम 7 दिन घर से बाहर नहीं निकल सकते, तो मैं निश्चित रूप से मैं 7 दिन घर के बाहर नहीं निकलता। मुझे बताया गया इसलिए मैं 6वें दिन घर से बाहर निकल, क्योंकि कोई गाइडलाइंस होंगे कोरोना के बारे में, नियम का पालन करना चाहिए और मैं पालन करने वालों में से हूँ। मैं जवाबदार पदाधिकारी हूँ, जवाबदार मैं नागरिक हूँ और उसमें से पालन करने वाला में से हूँ। हेलो एंड वेलकम टू डायलॉग एंड नेशन नेक्स्ट, मैं हूँ राधिका धवड़ और आज मेरे साथ नागपुर से बीजेपी एमएलए कृष्णा खोपड़े जुड़े हैं, जिन्हें शो कॉज नोटिस मिला है एनएमसी, क्योंकि उन्होंने जब ये कोविड पॉजिटिव थे तो उन्होंने रूल्स फ्लाउट किए और ये इन्होंने पब्लिक गैदरिंग्स में पार्ट लिया। तो आइए इनसे जानते हैं कि इन्होंने ऐसा क्यों किया। वेलकम सर। थैंक सर। आप मुझे बताइए आप पॉजिटिव कब आए? नहीं मुझे पहली बात तो कारने दाखवा नोटिस मिला है। 12 तारीख को मैं आरटीपीसीआर मैंने किया, जब आरटीपीसीआर किया उस समय भी मुझे खांसी खोखला बुखार नहीं था और 12 तारीख को आरटीपीसीआर करने के बाद जब मेरा रिपोर्ट पॉजिटिव आया तो 12 तारीख से लेकर तो 18 तारीख तक का मैं अपने घर में क्वारंटाइन था और 18 तारीख को मैंने 11:41 पर महानगर पालिका के जो आरोग्य अधिकारी है उनको मैंने मोबाइल द्वारा संपर्क किया और उनको कहा कि मैं 12 तारीख से लेकर तो अभी तक ना क्वारंटाइन हूं मैं, ना ही मुझे खोखला है, ना सर्दी है, ना खांसी है, तो इस बारे में क्या गाइडलाइंस है? तो उन्होंने मुझे कहा कि 12 तारीख से जिस दिन तुम कोरोना पॉजिटिव आए उस दिन से लेकर तो 3 दिन अगर तुमको कोई खांसी बुखार खोखला अगर नहीं है तो तुम मोकड़े हो। तो उनको कहा कि मैं 12 तारीख से 18 तारीख तक का यानी लगभग 6 दिन मुझे कोई भी इस प्रकार का प्रॉब्लम नहीं था, इस प्रकार का कोई मुझे त्रास नहीं था और इसलिए उन्होंने कहा कि तुम घर से बाहर निकल सकते हो। एनएमसी में किससे बात हुई थी आपकी? आरोग्य अधिकारी करते हैं चिकलीकर करके, उनसे संजय चिकलीकर करते हैं, उनसे मेरी बात हुई थी और 11:41 पर मैंने उनसे बात किया था और उसके बाद फिर नाना पटोले का जो विषय था उसके बारे में लकड़गंज पुलिस स्टेशन को हमको निवेदन देना था और फिर मैं उसके अंदर में शामिल हुआ। सर बट मुझे बताइए कि जब गवर्नमेंट की ये रूल्स है कि अगर आप पॉजिटिव है, आप एसिम्प्टोमेटिक है या आप सिम्प्टोमेटिक है, इररिस्पेक्टिव ऑफ दैट आपको घर पे एक ही कमरे में, बंद कमरे में क्वारंटाइन रहना है। मैं कुछ दिन पहले तक पॉजिटिव थी तो आई जस्ट इन शॉर्ट कि मैं एक कमरे में बिल्कुल माइल्ड सिम्टम्स थे, उसके बावजूद आई वॉज क्वारंटाइन, मैं अपने कमरे से भी 7 दिन तक बाहर नहीं निकली। तो अगर आप बाहर जाते हैं और आप पब्लिक गैदरिंग्स में पार्टिसिपेट करते हैं तो वो कितना सही और कितना गलत है? नहीं तो मैं 12 तारीख से लेकर तो 18 तारीख तक अपने घर में क्वारंटाइन था ना, 12 तारीख से लेकर 18 तारीख तक का मैं अपने घर में ही क्वारंटाइन था, मैं घर के बाहर कभी गया भी नहीं, मैं घर के अंदर ही था। 18 तारीख को मैंने उनसे बात किया संबंधित अधिकारियों से, बात करने के बाद मैं फिर घर के बाहर निकला और उन्होंने कहा कि तुमको शुरुआत से ही अगर खांसी खोखला बुखार नहीं है, और मेरे को शुरू से नहीं था। अब वो मिसेस को 2 दिन पहले पॉजिटिव का रिपोर्ट आया इसलिए मैंने चेक किया, मेरे को उस समय था भी नहीं, मैंने चेक किया इसलिए मेरा भी पॉजिटिव नॉर्मल दिखा और इसलिए मैं लगातार 12 से 18 तक का अपने घर में था। और फिर आप इसके बीच में आप नागपुर के जो कमिश्नर है अमितेश कुमार, उनसे भी आप मिले थे? नहीं ये तो कल मिले ना हम, कल वो तो कल का तो 9वां दिन था। कल जब हमारा डिपुटेशन सीपी साहब से मिला वो तो कल हमारा 9वां दिन था ना, गाइडलाइंस के बाद में मिला ना मैं, 9वें दिन हमारा डिपुटेशन। लकड़गंज आप लकड़गंज पुलिस स्टेशन कब गए थे? लकड़गंज पुलिस स्टेशन में हम 18 तारीख को गए थे, 18 तारीख को हमारा डिपुटेशन को मिला। हाँ 18 तारीख 12:30 बजे आपके क्वारंटाइन पीरियड में आप बाहर थे?
और तेरह नहीं, 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 बिल्कुल 13 तारीख को आपने अपने ट्विटर पे लिखा है कि आप पॉजिटिव है। हाँ तो बरोबर है ना, 12 तारीख को मैंने RT-PCR किया और जैसा ही मेरा रिपोर्ट पॉजिटिव आया तो मैंने ऑफिस को कहा कि भाई मेरे साथ में जो भी संपर्क में थे उन्होंने भी चेक करवा लेना चाहिए। ये मैंने तो 13 तारीख को जाएंगा ना वो। सर आपका कहना है कि आपने अपने पूरा क्वारंटाइन जो था वो कम्प्लीटली फॉलो किया है, आप अपने 13 तारीख 12 तारीख को आप पॉजिटिव आए तो 12 तारीख से 18 तारीख तक आप कहीं पे भी नहीं गए, आपने कहीं पे भी पार्टिसिपेट नहीं किया। मैं 12 तारीख से लेकर तो 18 तारीख तक 11:41 तक का मैं अपने घर में ही था, जब तक मैंने आरोग्य अधिकारी से बात किया उस समय तक मैं अपने घर में ही था। मैं जवाबदार नागरिक हूँ, जवाबदारी मुझे समझती है, नियम समझता है, मुझे कायदा समझता है और इसीलिए घर से निकलने के पहले मैंने संबंधित अधिकारियों से मोबाइल पे बात किया मैंने, और जो महानगर पालिका ने जो मुझे कारण बताओ नोटिस जो दिया उसका उत्तर भी मैंने उनको आज भेजा है, उसकी कॉपी भी मैंने लकड़गंज पुलिस स्टेशन को भी उसकी कॉपी मैंने भेजा है और उसमें स्पष्ट रूप से जो जो बात हुई जो मेरी जो भी वर्षन था वो मैंने डिटेल में उनको आज लिखकर भेजा। पर आपने ये भी कहा था कि ऐसी कोई गाइडलाइंस नहीं है, आप इंस्टेड आपने 3 दिन की जगह आपने अपने आपको 5 दिन तक क्वारंटाइन किया है, ये भी टाइम्स ऑफ इंडिया में भी ये आपका एक आर्टिकल आया हुआ। नहीं, 6 दिन में अपने घर को क्वारंटाइन था, 5 दिन 12 तारीख से लेकर तो 18 तारीख तक था मैं कंटिन्यू अपने घर में था 6 दिन तक। सर पर अगर आप 6 दिन भी अगर आप क्वारंटाइन थे तो एज पर गाइडलाइंस आपको कम्प्लीटली 7 दिन तक क्वारंटाइन रहना पड़ता है, उसका क्या? नहीं बरोबर है ना आपका कहना, इसीलिए मैंने संबंधित अधिकारियों से मोबाइल पर बात किया क्योंकि इसकी जानकारी मुझे नहीं थी, इसलिए मैंने संबंधित अधिकारियों को फोन लगाया, फोन करके बात किया। वही मैं आपको बारम्बार बता रहा हूँ कि 11:41 पे 18 तारीख को मैंने खुद बात किया उनसे और उन्होंने कहा कि जिस दिन तुम क्वारंटाइन आए उसके 3 दिन तक अगर तुमको कुछ भी नहीं है तो तुम मोकड़े हो। मैंने कहा कि मैं 18 तारीख आने 6 दिन हो रहे हैं आज मुझे ऐसा कुछ भी नहीं है, उन्होंने कहा कि आप बाहर निकल सकते और इसीलिए मैं फिर बाहर निकला। बट टाइम्स ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंगली डॉक्टर चिरकर जो है इन्होंने कहा है कि इन्होंने आपको ऐसा कोई भी ग्रीन सिग्नल नहीं दिया था बाहर निकलने के। अब ऐसा है सरकारी अधिकारी है, मेरे में आदत नहीं है झूठ बोलने की, जो सच है उस सच्ची मैं आपके सामने रख रहा हूँ। अब उनको कुछ अड़चन आए होंगे और वो ऐसा बयान दे रहे होंगे तो मुझे मालूम नहीं, लेकिन ये प्रमाणिकता से मैं कह रहा हूँ कि मैंने उनसे बात करने के बाद ही मैं बाहर निकला। अच्छा, उन्होंने क्योंकि कहा है कि आपने उनसे पूछा कि आपने कितने दिनों तक क्वारंटाइन रहना चाहिए तो उन्होंने कहा था कि वो 7 डेज तक क्वारंटाइन रहना जरूरी है, तो आपकी एग्जैक्टली उनसे क्या बात हुई थी? अब 7 डेज का तो उन्होंने मुझे कहा नहीं, मैंने कहा ना आपको, मैं शुरुआत से ही बता रहा हूँ क्या उन्होंने मुझे कहा कि जिस दिन तुम क्वारंटाइन हो गए उसके 3 दिन तक अगर तुमको खांसी खोखला बुखार अगर कुछ भी नहीं है तो आप मोकड़े रह सकते, तो 3 दिन के जगह मुझे 6 दिन हो गए थे और शुरुआत से ही मुझे ऐसा कुछ भी नहीं था और इसलिए मैंने उनसे परमिशन लिया, उनसे बात किया, उनके बात के बाद ही मैं घर से बाहर निकला। सर और अमितेश कुमार नागपुर CP, इनसे भी आप जब मिले उसके बारे में आपको क्या कहना है? नहीं, CP साहब से तो हमने जो नाना पटोले जो कांग्रेस कमेटी के महाराष्ट्र के अध्यक्ष है उन्होंने भंडारे के अंदर क्या बोला ये सब जानकारी सभी तरफ आई हुई है कि मैं मोदी जी को मारूंगा, मोदी जी को गालियां दूंगा और बाद में बारंबार वो पलटी भी खाते गए, जबकि नागपुर शहर के अंदर लगभग 13 थानों के अंदर तकरार दाखिल हुई और उसके बाद हमको लगा कि भाई इनके अंदर एक्शन नहीं हो रहा, क्यों फिर हम भारतीय जनता पार्टी के हमारे अध्यक्ष है प्रवीण जी दटके उनके नेतृत्व में हम पुलिस कमिश्नर साहब से भी मिले और उनको हमने 5 मुद्दे भी एक ठड़क मुद्दे जो रहते वो भी बताए कि उद्धव ठाकरे। ठीक है, मैं आपको पूछ रही हूँ कि तब भी आप पॉजिटिव थे तो आप उस बीच में उनसे मिले तो उसके बारे में आप क्या कहेंगे, क्योंकि अगर आप पीपल
पुलिस कमिश्नर साहब से जब मिला, ये मेरा कल नौवा दिन था, इसलिए मैं पाजुटू वाजुटू नहीं था, पाजुटू ना मैं 18 तारीख को था ना तुम्हारे कल तक का पाजुटू नहीं था मैं, हमारा हमारा डेपुटेशन उनसे मिला, उस समय मैं कोई पाजुटू नहीं था, मैंने पूरे नियमकार कायदे का मैंने पालन किया, और इसीलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि मैंने उनसे परमिशन लिया और उसके बाद ही मैं घर से बाहर निकला। और आरोग्य अधिकारी से बात करना है ना, अथेंटिक ही है ना, वो कोई प्राइवेट कर्मचारी नहीं है, वो सरकारी अधिकारी है, वो अथेंटिक है, और कोई मेरे कोई नए थोड़ी है मेरे लिए वो, मैं हरदम महानगर पालिका से उनसे मेरा हरदम कोई ना कोई विषय पर संपर्क रहता है, और इसीलिए जो बोला वही मैं आपके सामने। आपकी बात सही है कि आपने किसी से बात की है, बट अगर जब सेंटर ने गाइडलाइंस एस्टेब्लिश करके रखे 7 दिन की, तो किसी को भी भले ही 6वें दिन या 7वें दिन सिम्टम्स नहीं है, फिर भी उन्हें क्वारंटाइन रहना ही पड़ेगा, दीज आर द रूल्स। नहीं नहीं जब मैंने उनसे बात किया ना, तो वो भी खुद घर में क्वारंटाइन थे, उन्होंने कहा कि मैं भी घर के अंदर क्वारंटाइन हुआ हूँ, और उन्होंने मुझे बताया कि ऐसा ऐसा है, हो सकता है उन्होंने जो वर्कर लोगों की गाइडलाइंस रहती है, फ्रंट लाइन वर्कर की जो गाइडलाइंस है, क्या उनको कोरोना होने के बाद 3 दिन के बाद उनको कुछ नहीं रहा तो वो घर के बाहर निकल सकते। अब फ्रंट लाइन वर्कर के हिसाब से देखो तो फ्रंट लाइन वर्कर एक आदमी एक वर्कर होगा तो 10 लोगों से दिन में मिलता होगा, लेकिन हम तो 300-400 लोगों से दिन में मिलते हैं ना, हम भी फ्रंट लाइन वर्कर में आते क्योंकि हम जनप्रतिनिधि है, चाहे नगर सेवक हो, आमदार हो, खासदार हो, ये जनप्रतिनिधि है, हो सकता है उसके हिसाब से उन्होंने उस एंगल से लिया होगा कि भाई जनप्रतिनिधि भी फ्रंट लाइन वर्कर रहता है, वर्कर है करके, क्योंकि जनता का जनप्रतिनिधि बोले यानी वर्कर ही हो गया ना। आई इन शॉर्ट कि मैं कंप्लीट 7 दिन क्वारंटाइन रहूं, क्योंकि अगर मैं स्टेप आउट हो रही हूँ, मैं ज्यादा लोगों से मिल रही हूँ, तो मेरे वजह से कोई और भी खतरे हुए हैं। तो सर, जब आप यू आर अ लीडर, आपको एक मास फॉलोइंग है, तो जब अभी ये जो कंट्रोवर्सी पूरी चल रही है, तो इसमें आप एक यंगस्टर्स को और जो लोग आपको फॉलो करते हैं स्पेशली, उनको आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? नहीं नहीं अगर मुझे उसी समय बताया रहता उन्होंने कि तुम 7 दिन घर से बाहर नहीं निकल सकते, तो मैं निश्चित रूप से मैं 7 दिन घर के बाहर नहीं निकलता, लेकिन उन्होंने जो मुझे बोला उसके हिसाब से मैं घर के बाहर निकला। दूसरा 2020 का कोरोना अलग टाइप का था, 2021 का कोरोना और तुमने और हमने देखे, क्योंकि 2020 में तो हमने कंटिन्यू हमारे सभी पूरे नागपुर के कार्यकर्ताओं ने जो जनता को जितने सहकार्य हो सकता था उतना सहकार्य किया, हमने लगातार हमने 2 महीना कंटिन्यू किचन हमने चलाया, 7-8 हजार रोज लोगों का हम खाना बना के ये करते थे, उस समय हमको किसी को कोरोना नहीं हुआ, इतने इतने इसमें 2021 में भी नहीं हुआ, 2020 में भी नहीं हुआ। वो अभी अचानक घर के लोगों ने मुझे बोला क्या भाई मेरे को पॉजिटिव आ गया, खोखला था उनको पॉजिटिव आ गया, तो तुम भी करवा लो, इसलिए मैंने करवा, मेरे उस समय भी नहीं था, और इसीलिए मैं घर से बाहर निकलने के पहले मैंने उनसे बात करके ही मैं घर से बाहर निकला सर। बट ऐसा है, हमें सबको पता ही है कि 7 दिन का क्वारंटाइन एनी हाउ, आपको मतलब सिम्टम्स है नहीं है, 7 दिन का क्वारंटाइन तो हमें करना ही है, आप उस बारे में क्या बोलेंगे? मुझे मैं आपको वही बता रहा हूँ कि 2020-2021 के कोरोना और अभी के कोरोना में बहुत जमीन आसमान का अंतर है। मुझे लगा कि उस समय केंद्र सरकार और राज्य सरकार की गाइडलाइन उस समय की अलग होंगी और इस समय की गाइडलाइन अलग अलग होगी, क्योंकि इस समय का कोरोना ये अभी 100 लोगों को टेस्ट करने के लिए जा रहे तो 90 लोगों को कोरोना पॉजिटिव, चाहे उसको खांसी रहो चाहे न रहो, ऐसे भी लोगों को पॉजिटिव बता रहे हैं। उस समय की गाइडलाइन और इस समय की गाइडलाइन में अंतर होगा, फर्क होगा, और इसीलिए मैंने उन संबंधित अधिकारियों से मैंने बात किया। विजय वरेट्टीवार जी जो है कांग्रेस के, या फिर सुनील केदार जी, इनका भी ये कहना है आपके इस एक्ट की वजह से, वो कह रहे हैं कि लॉ मेकर्स जो खुद लॉ बनाते हैं वो लॉ ब्रेकर्स नहीं हो सकते, तो उनको आप क्या कहेंगे? नहीं नहीं वो आपका कहना बरोबर है, आपका कहना बरोबर है, मैं इसलिए बारम्बार कह रहा हूँ कि 20 और 21 के कोरोना और अभी के कोरोना के अंदर जमीन आसमान का फर्क है। उस समय का कोरोना होता था तो लोगों की जान बचेंगी क्या नहीं बचेंगी, लोग परेशान रहते थे, लेकिन इस समय अगर
आप भी अगर वहां टेस्ट करने गए तो आपका भी पॉजिटिव निकल रहा। हमने अभी एक जगह हमारा कैंप चालू है, वहां रोज 100 लोग अगर चेक कर रहे होंगे तो उसमें 90% लोगों को कोरोना पॉजिटिव बता रहा, ना उनको खांसी रहती, ना खोखला रहता, ना कुछ रहता, ना कुछ रहता बता रहा है ना। उससे जनता, उससे कोई तकलीफ नहीं है। मुझे ऐसा लगा कि भाई उस समय की केंद्र और राज्य सरकार की गाइडलाइंस उस समय की अलग थी और इस समय की केंद्र सरकार की गाइडलाइन अलग होगी, क्योंकि उस समय कोरोना के लिए लोगों को 21-21 दिन का क्वारंटाइन इधर उधर किया जाता था। अभी कहाँ कर रहे, अभी कहाँ कर रहे, अभी जा रहा है कि तुम अपने घर में रहो जी। नहीं बट आप अभी बताइए कि जो होम आइसोलेशन गाइडलाइंस है जिसका वायलेशन हुआ है, तो क्या आप मानते हैं कि आपसे ये वायलेशन, आपने ये नहीं करना चाहिए था और पूरे 7 days आपने घर पे रहना चाहिए था? नहीं नहीं, अगर वो गाइडलाइन उस प्रमाणे अगर वो मुझे अधिकारी बताते कि आप कुछ 7 दिन तक का घर से आप निकल ही नहीं सकते, जब मैं 6 दिन घर में रह सकता हूँ तो 7 दिन भी रह सकता ना। मैं जनता का जनप्रतिनिधि हूँ, 4 लाख लोगों का मैं प्रतिनिधि करता हूँ, और जब मैं 6 दिन अपने घर में रह सकता हूँ तो मैं 7 दिन भी अपने घर में रह सकता हूँ, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं। आपको ऐसा नहीं लगता है कि आपके तरफ से कुछ गलत हुआ है? नहीं नहीं, वो कैसा है, मैंने आपको पहले ही कहा कि मैं एक जनप्रतिनिधि हूँ, एक जवाबदार मैं नागरिक हूँ, और इसीलिए जो महानगर पालिका ने नोटिस दिया उसका भी मैंने रिप्लाई उनको दिया हुआ है। और कहीं तो भी मुझे लगता है कि कंफ्यूजन, शायद अधिकारी अभी क्या बोल रहे मुझे मालूम नहीं, लेकिन कहीं तो भी वो कंफ्यूजन हुआ है उनके बताने में बोलो या ये बोलो, इसलिए मैं उनको कुछ ही नहीं बोलता। लेकिन मुझे भी ऐसा लगा है कि उस समय का 20 और 21 के कोरोना और आज के कोरोना के अंदर जमीन आसमान का फर्क है, और इसीलिए राज्य और केंद्र की गाइडलाइंस में कुछ बदलाव आया होगा, और इसीलिए मैंने संबंधितों से पूछ के मैं घर के बाहर निकला। इसका मतलब उनको मैं दोष दे रहा हूँ ऐसी बात नहीं, वो आरोग्य अधिकारी है, उनको मैं कोई दोष नहीं देता, उनके ऊपर कोई चार्ज नहीं लगाता, क्योंकि वो एक जिम्मेदार अधिकारी है। और इसलिए फ्रंट लाइन वर्कर की जो गाइडलाइंस है कि 3 दिन के अंदर उसको कुछ भी नहीं रहा तो वो काम पे जा सकता, लोगों से जाके चेक कर सकता, वो फ्रंट लाइन वर्कर के हिसाब से भी उन्होंने किया होगा कि जनता का जनप्रतिनिधि ये भी फ्रंट लाइन वर्कर ही है ना। आज सरकारी कर्मचारी को फ्रंटलाइन वर्कर के नियम लागू है, वो जाके 10 लोगों से मिलता होगा, तो हम भी दिन भर 300-400 लोगों से रोज डे टू डे हम मिलते हैं, और इसीलिए उसके हिसाब से भी उन्होंने हो सकता है मुझे बोला होगा, लेकिन मैंने उनको स्पष्ट रूप से कहा था। आप ये कह रहे हैं कि आपको कहीं ना कहीं कंफ्यूजन हो गया था कि पहले 14 days का आइसोलेशन पीरियड रहता था, अभी 7 दिन का रिवाइज गाइडलाइन किया है, तो आप कह रहे हैं कि आपको उससे रिलेटेड कुछ कंफ्यूजन हो गया था? मैंने इसीलिए तो मैंने पूछा ना, इसीलिए मैंने पूछा ना उनसे, ये बता कौन सकता है, इसकी जानकारी कौन देगा, जो संबंधित अधिकारी है वही उसकी जानकारी देगा ना। कोई मैं PWD वाले को पूछूंगा तो वो थोड़ी मुझे जानकारी देने वाला है, कोई दूसरे डिपार्टमेंट को पूछूंगा तो वो थोड़ी मुझे कोई जानकारी देने वाला है, उसको इसकी आइडिया नहीं रहती। जिसको इसके बारे में जानकारी है, जिसको ये सब गाइडलाइन की माहिती है, और इसीलिए मैंने उनको पूछा था, और इसीलिए उन्होंने कहा, इसीलिए मैं घर के बाहर निकला, नहीं तो मैं 6 दिन घर में रह सकता हूँ तो 7 दिन भी रह सकता ना। मेरे क्या एक दिन पे कौन मेरे को पहाड़ टूटने वाला था। नहीं, लोगों से तो मेरी विनंती भी है, क्योंकि मैं 12 तारीख को आने के बाद मैंने सब तरफ मीडिया में और इसमें भी पूछ किया था कि जो मेरे साथ है वो अपना चेकअप करवा ले। लोगों से तो मेरी विनंती है कि जो शासन की जो भी कुछ गाइडलाइन होंगी, क्योंकि कभी कभी बताने भी आदमी कंफ्यूजन हो जाता है, फैशन की जो भी कोई गाइडलाइंस होंगी कोरोना के बारे में, उस नियम का पालन करना चाहिए, और मैं पालन करने वालों में से हूँ, मैं जवाबदार पदाधिकारी हूँ, जवाबदार मैं नागरिक हूँ, और उसमें से पालन करने वाला में से हूँ। अगर 7 दिन का अगर क्वारंटाइन रहना था तो मैं 7 ही दिन रहता, मैं 8वें दिन घर से बाहर निकलता, लेकिन मुझे बताया गया इसलिए मैं 6वें दिन घर से बाहर। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। Subscribe to Nation Next YouTube channel and press the bell icon to get regular updates from Nation Next. Also like Nation Next Facebook page and follow us on Instagram and Twitter.